को शुरू करूंगा सैटरडे इवनिंग से, जब फुटबॉल खेलने का प्लान बना और मौसम बहुत ही अच्छा था। ऑल्दो मेरा खेलने जाने का मन नहीं था, जो मैं आपको वीडियो में आगे जाके बताऊंगा कि क्यों नहीं था, लेकिन मैं आई एम रियली थैंकफुल कि मैं गया, घर से बाहर निकला और बहुत अच्छा मौसम था। एंड दिस इज़ द परेड ग्राउंड जहाँ पे पहुँच के हमने फुटबॉल शाम को स्टार्ट किया अंडर लाइट। तो मुझे फुटबॉल खेलने का मन इसलिए नहीं था क्योंकि मेरी 6th या 7th गेम होगी और अभी तक मेरी बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं है और मैं बिल्कुल अच्छे से नहीं खेलता। और अगर मैं बाई चांस किसी भी गेम में हार जाऊँ तो जो लोग मुझे जानते होंगे वो जानते होंगे कि आई डोंट लाइक इट। तो इसलिए मुझे हारना पसंद नहीं है, तो दैट्स अ रीज़न। तो ये फाइनली 9:30 बज गए थे रात के, तो उस टाइम पे हम घर वापस आए थे। घर वापस आके मैंने एक मूवी देखी जो मैं आपको सबको रिकमेंड करूँगा, आप सबके सब देखो यार, 1917। तो ये बहुत अच्छी मूवी है, इट विल मेक यू लिटरली, इट विल मेक यू क्राई। बहुत अच्छी मूवी है और आई थिंक कि सबको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। उसके बाद रात को आई स्लेप्ट यही मूवी देखने के बाद। एंड उसके बाद संडे को मुझे फाइनली एक दिन मिलता है लेट उठने का, तो मैं लेट उठा। फाइनली इट्स संडे और आफ्टरनून का टाइम है एंड आई एम हैविंग सम रेस्ट एंड आई एम स्टिल इन रिकवरी मोड, क्योंकि नॉट फिजिकली बट मेंटली, क्योंकि कल मैंने बहुत ख़राब खेला था एंड आई एम रियली फीलिंग बैड अबाउट इट। और अगर बात करनी हो फुटबॉल को क्रिकेट के साथ, तो क्या क्या चीज़ें मैंने यहाँ पे नोटिस की हैं कि फ़ुटबॉल में इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मुझे 20-25 साल हो गए क्रिकेट खेलते हुए, लेकिन आज तक मुझे कोई बड़ी इंजरी हुई हो मुझे याद भी नहीं है। मुझे सिर्फ शोल्डर में पेन होती थी जब मैं फास्ट बॉलिंग करता था। तो अभी जस्ट मुझे, मेरी ये 6वीं या 7वीं गेम थी फुटबॉल की और अभी मुझे जो इंजरीज मेरी नी पे हुई हैं, मतलब इनके मार्क्स मुझे नहीं लगता कि कभी ये जाएंगे यहाँ से। तो ये बिल्कुल, इसमें इंजरी के बहुत चांसेस हैं। और अगर बात करनी हो फिज़िकल एस्पेक्ट की, तो आप जब क्रिकेट खेल रहे होते हैं आपके थोड़ा थोड़ा आपका एफर्ट लगता है ओवर द लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, मतलब बहुत लंबी गेम चलती है। लेकिन अगर बात करनी हो फुटबॉल की, तो गेम शॉर्ट होती है और उस शॉर्ट टाइम में आपको थ्रू आउट द गेम आई थिंक कि बहुत हाई एफर्ट डालना पड़ता है। और यहाँ पे अगर आपके जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है वो उतनी सही नहीं है, तो आप यहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने देखा है क्रिकेट में अनफिट लोग भी खेल लेते हैं। आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखा होगा कि बहुत ओवरवेट लोग भी खेल रहे होते हैं, बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं। आज़म खान को आपने देखा होगा, पाकिस्तान का बहुत अच्छा खेलता है। लेकिन अगर बात करनी हो फुटबॉल की, तो ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है और उसी के साथ आई थिंक कि इसमें फुटबॉल बहुत ही ज़्यादा रिफ्लेक्सेस पे बेस्ड है। अगर आप बहुत फास्ट आपके रिफ्लेक्सेस हैं तो आप अच्छा खेलेंगे, लेकिन इन द एंड अगर मुझे दोनों चीज़ों में से किसी एक को अगर चूज़ करना हो, तो मैं यहाँ पे क्रिकेट को ही करूँगा, क्योंकि आई लव द गेम। और फुटबॉल मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले स्टार्ट किया था, मेरी 5वीं या 6वीं गेम है और मैं बहुत ज़्यादा ख़राब खेलता हूँ। तो आई डोंट नो, मे बी अगर मैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए 1-2 साल के लिए खेलूँगा, तो अगर मैं इसमें अच्छा करने लगा, होपफुली, जो मुझे नहीं लगता कि होगा। अभी फ़िलहाल आई एम हैविंग माई फ्रूट और उसके बाद और बस अब थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद आई विल गो टू प्ले क्रिकेट और आपको वहाँ पे अपने साथ लेके चलूँगा। सो सी यू। और वहाँ पहुँचते ही सबसे पहले हमने ट्राई किया था पैडल स्वीप, जो बिल्कुल बेसिक से हमने शुरू किया था, क्योंकि चलो उसके बारे में क्या बात करनी। फिर उसके बाद मैंने ट्राई किया रिवर्स पैडल स्वीप, उसी के साथ जो सही वाली स्वीप शॉट होती है उसको भी ट्राई किया, बहुत एफर्ट लगता है। और भी बहुत सारी शॉट्स मैंने यहाँ पे ट्राई की थी जिनकी मैं वीडियोस अगर ऐड करूँगा तो इट विल बी बोरिंग, और साथ में मैं अभी सीख ही रहा हूँ, तो आई डोंट थिंक कि मुझे वो यहाँ पर ऐड करनी चाहिए। और मैंने इस सेशन को एंड किया था थोड़ी सी फास्ट बॉलिंग के साथ, लेकिन एफर्ट नहीं लगा क्योंकि मैं बिल्कुल थक चुका था अभी। एंड फाइनली बाई 5:30 आई केम बैक होम। मुझे राइड करने का घर आते हुए बहुत मज़ा आया था, क्योंकि जब बहुत सारी स्वेटिंग हुई होती है तो राइड करने का भी बहुत मज़ा आता है। एंड फाइनली घर आके मैंने ये ब्यूटीफुल सा सनसेट देखते हुए अपने इस वीक को ख़त्म किया था। आई थिंक कि बहुत अच्छा वीक गया है मेरे लिए, बहुत कुछ मैंने नया सीखा, बहुत कुछ नया किया और काफ़ी अच्छा चल रहा है सब। एंड आई होप कि आप सबका भी, आप सब भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, अपने नए नए गोल्स को चेज करने की कोशिश कर रहे होंगे, और अगर नहीं कर रहे तो यार किस चीज़ का वेट कर। और यहीं पे मैं अपने व्लॉग को ख़त्म कर रहा हूँ। सी यू अगेन।